बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाऊंगी कश्मीरी चाय, जिसको पिंक टी भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ते हैं, ये हसबी ज़रूरत है, जितना आप डालना चाहें। अच्छा जी, ये है बादियान का फूल, ये मेरे पास इसके लिए टूट गई थी। ये एक बादियान का फूल है। और मेरे पास है नमक, नमक और बेकिंग सोडा, ये मैंने लिया है क्वार्टर क्वार्टर टीस्पून। और मेरे पास जो है ये है ग्रीन टी, यानी कि कश्मीरी चाय, ये है मेरे पास 2.5 टेबल स्पून। और आपको जो ये मग नज़र आ रहा है, मैंने ये 2 मग लिया है पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 2 मग इसके अंदर पानी डाल दिया है, ये साइज़ है 2 मग जो मैंने पानी लिया है, इसके अंदर डाल दिया है पानी। अब मैं डालूँगी इसके अंदर बाकी की चीज़ें, जिसमें ये मैंने आपको बताया कि ये है कश्मीरी चाय यानी कि ग्रीन टी, 2.5 टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी, ये है बादियान, एक बादियान है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून, और नमक है 1/4 टीस्पून, ये इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब हमने करना यह है कि हमने इसको पकाना है, हमने इसको इतना पकाना है कि जो ये 2 कप पानी है, 2 कप पानी से ये 1 कप रह जाए। और पकाना इसको ऐसा नहीं पकाना कि हमने इसको छोड़ देना है, आपने इसको मुसलसल इस तरह से उछाल उछाल कर पकाना है, क्योंकि जो ये कश्मीरी चाय है, इसके अंदर जो ज़्यादा काम है वो 2 चीज़ों का है। एक जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बिल्कुल चिल वाटर, बिल्कुल ठंडा यख पानी, और दूसरा जो हम ये इसको इस तरह से उछाल रहे हैं। और इसको हमने जो कुक करना है वो इतना पकाना है कि जो ये 2 कप हमने पानी लिया था, ये पक पक कर 1 कप हो जाए। इजी है, सर्दियां हैं, इसमें बनाएं चाय, गर्मा गर्म चाय मज़े की लगेगी। और वैसे भी इसका एक फ्लेवर होता है कि डिफरेंट है जो वैसे हम चाय बनाते हैं रूटीन की, ये भाई बादाम पिस्ते वाली चाय है। और इसके अंदर बादाम पिस्ते आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो आप इतना डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका काम रुकना नहीं है। जो आपने ये इस तरह से इसको उछालने का काम है ना, ये बड़े मज़े से इस तरह से उछल उछल कर चाय पकेगी, मुसलसल इसको इस तरह से चलाना होता है। ये देखें जी, इसको इस तरीके से चलाना है, हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक के जो इसका पानी है वो हाफ पक जाए। जब ये पकेगा तो फिर इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आएगा, उसी कलर से जो है ये जो बनाएंगे हम चाय तो उसका कलर होगा पिंक। ये जी, इसमें बॉयल आने लग गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब किसी चीज़ में मेहनत होती है उसके बाद ही हमें एक अच्छी चीज़ जो है खाने के लिए या पीने के लिए मिलती है। वो कहते हैं ना, मेहनत में अजमत, मेहनत करेंगे तो फिर मज़ेदार सी अच्छी सी खाने की चीज़ भी मिलेगी। ये देखें जी, इसको पकते हुए ये पक पक कर जो है ना, इसको टाइम हो गया है, ये जो मैंने पानी लिया था आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें अभी से कलर आ गया है। तो इसको मैंने मुसलसल इस तरीके से चलाती रही हूँ, इस तरीके से मुसलसल चलाया है, और इसका ये पानी जो है वो रह गया है आधा। अब इसके अंदर हमने डालना है बिल्कुल चिल वाटर, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ये क्यूब्स हैं इसमें, और ये बिल्कुल ठंडा पानी है, मैंने ये क्यूब्स डाल कर रखे हुए थे इसमें। ये भी जो है 2 कप था, मैंने इसी साइज से 2 कप इसको नापा था। अब हमने इसको फिर इसी तरह चलाना है, इसमें जो सारा काम है ना वो इसका यही है कि इसके अंदर एक तो आपने बिल्कुल ठंडा यह पानी डालना है, सेकंड आपने इसको इस तरह से उछालते रहना है।
और ये मजे मजे में एक मजेदार सी आपकी जो है कश्मीरी चाय रेडी हो जाएगी। अब हमने मजीद इसको फिर पकाना है कि ये जो इसका पानी है ये तकरीबन आधा हो जाए। अब हम इसको मजीद इस तरह पकाएंगे और पकाते जाएंगे और साथ साथ इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। ये देखिए, हाथ नहीं रुकना चाहिए, इसको इस तरह से चलाते जाएं, फिर देखिएगा इसका कितना अच्छा कलर आता है। ये देखें जी, ये पक पक कर तकरीबन आधा हो गया है और आप इसका कलर देखें कि ये देखें, ये इसका जो कलर, इसका कितना अच्छा कलर आ गया है, ये देखें। अब हमने क्या करना है कि हम इसको छान लेंगे, छान लेंगे और जो ये कहवा रेडी हुआ है इसको छान कर हम अलग रख लेंगे। आप इसको छान के और जितना आपको यूज़ करना आप इतना यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक जो है ये आपका कहवा जो इस तरह से आप बना लेंगे यूज़ हो जाएगा और आपको पिंक टी कश्मीरी चाय फटाफट मिल जाएगी। कोई मेहमान आया, फटाफट आप निकालें और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सर्व करने में। आपने इस तरह से बना कर रखा है कोई गेस्ट आया, फटाफट आपने इसको गर्म किया, दूध गर्म किया और डाला और देखें जी आपकी फटाफट से जो है ना कश्मीरी चाय रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है कि हमने कहवा जो है उसको हमने छान लिया है, ये मैंने छान कर इसको रख दिया है और अब मैंने यही 2 कप जो है इसको मेजर करके मैंने लिया है मिल्क, ये मैंने मिल्क गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर डालूंगी मैं शुगर 4 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे ही मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारे घर में मीठा थोड़ा सा लाइट खाते हैं लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर जो शुगर है वो थोड़ा ज़्यादा डाल दी है। अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, जो ये मिल्क है इसमें बॉयल आ जाए और थोड़ा ये अच्छे से पक जाए और इसके बाद हमने जो इसके अंदर ये कहवा रेडी किया था ये इसके अंदर मैंने शुगर डाली थी इसलिए इसको मैंने चला दिया है। ये देखें जी, ये कहवा जो है मैंने बिल्कुल अच्छा सा जो ये है कहवा ये रेडी करके रख दिया है कश्मीरी चाय का। अब हम साथ साथ ये मिल्क बॉयल कर रहे हैं, मिल्क में बॉयल आता है, इसको थोड़ा सा हम अच्छा सा पकाएंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें, ये देखें इसके अंदर बॉयल आ गया है और इसके अंदर बॉयल आ गया है, मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी, 3-4 मिनट में इसको पकाऊंगी कि थोड़ा अच्छा सा पक जाए। मिल्क को पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर जो हमने ये कहवा रेडी किया था ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमें जितना इसका कलर पिंक चाहिए हम इसको इतना डालेंगे। ये देखें इसका ये कलर, ये देखें ये इसका पिंक कलर बहुत अच्छा सा जो है ना, इसका ओरिजिनल पिंक कलर, बिल्कुल कोई मैंने इसके अंदर कलर ऐड नहीं किया है। और ये देखें जी, ये इसका आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल इसका अपना असली कलर है। आपको जितना कलर चाहिए आप इतना इसके अंदर इसको ऐड कर लें और ये देखें जी, ये पिंक चाय, स्पेशली ये चाय जो मैंने बनाई है आज बनाई है अपने कज़न के लिए, मेरे कज़न और मेरे खालाजद कज़न मेरे भाई हैं छोटे जिनका नाम है शांत, तो उन्होंने कहा था कि बाजी हमने बनाई थी चाय पिंक नहीं हुई उसका कलर, ये देखें ये इसका कलर जो है पिंक कलर है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताऊंगी, मैं बनाती हूँ तो उसका कलर तो पिंक आ जाता है
और हम उसके अंदर कोई कलर भी नहीं डालते हैं, ओरिजिनल पिंक कलर होता है। ये देखें भाई, माशाल्लाह से कितनी अच्छी चाय रेडी हो गई है। चाय बिल्कुल रेडी हो गई है, सर्व करते हैं इसको। और माशाल्लाह से इसका बहुत जबरदस्त जो है ना, ये देखें पिंक कलर इसका आया है। ठीक है शान भाई, आप इस मेरी वीडियो को देखिएगा और इंशाल्लाह जो है ना आपकी ये कश्मीरी चाय रेडी हो जाएगी। तो ये चाय हो गई है रेडी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम पिस्ते, ये देखें जी, ये हमने बादाम पिस्ते डाल दिए इसमें। और ये बहुत मज़ेदार सी जो है कश्मीरी चाय रेडी कर ली है। तो देखिएगा, आपको यकीनन मेरी ये जो रेसिपी है पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।